हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज हम इस चैप्टर को करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो वेलकम टू मैनेजिंग इज, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम टाइम वी कॉल इट एज एपी। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको फिर सॉल्व कैसे करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है, लाइक है ये कोई नंबर्स हैं 4, 10, 16, 22, बताइए कि क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, whether it is an AP। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म होगी जो पहला नंबर है, that is equal to 4, right? Now, A2 से डिनोट करते हैं हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को, और ये होगी हमारी 10। नेक्स्ट A3 क्या होगी, विच इज इक्वल टू 16, एंड फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारी A4 होगी, दैट इज इक्वल टू 24, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज एन एपी और नॉट। हाउ वी विल डील विद इट? हम कैसे करेंगे? हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 हमारा 10 है एंड A1 इज 4, 10 माइनस 4 इज 6। नाउ वी विल फाइंड A3 माइनस A2, मीन्स नेक्स्ट टर्म से डिफरेंस निकाल लेंगे कितना है, तो 16 माइनस 10 which is also 6, now A4 minus A3, तीन टर्म्स, तीन बार तो डिफरेंस निकाल ही लीजिए गाइस, ताकि आपको कोई श्योरिटी हो जाए, 6, as we can see that A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, is equal to A4 minus A3, तो हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है, 6 है, equal है, therefore, as the common difference is same, we will write common difference, is same, so therefore it is an AP, arithmetic progression। हम clearly यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 6 का difference definite आ रहा है। एक और example की अगर हम बात करें कि हमें पूछा जाता है कि ये AP है या नहीं है, तो हम कैसे find out करेंगे? देखिए, अगर आपको series दे दी गई है like -2, 2, -2, 2, something like that, हम क्या करेंगे, वही हमारा प्रोसेस है। A1 निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए which is equal to -2, A2 निकालिए which is equal to 2, and A3 निकालिए which is equal to -2. Now what we will find, we will try to find A2 minus A1 which is equal to 2 minus A1 minus 2 है, तो हमारा क्या जाएगा, 2 plus 2 which is equal to 4. Right? Now what we will do? We will just find A3 minus A2. हम difference find out कर लिया, just -2 -2 which is equal to -2 -2 which will give us -4. But 4 is not equal to -4. So we can write A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. Therefore, it is not an AP. ये एपी नहीं है। हम क्लियरली यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करके आना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ओके, वी हैव टू शो दैट दैट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि आप जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट टर्म बता दीजिए, फर्स्ट टर्म बताइए, सेकेंड टर्म बताइए। It is asked that tell us A1, A2 या first term, second term नाम दे देते हैं and common difference। अब ये तो एक AP नहीं है, that is why common difference is different every time, right? First term क्या होगी, -2 होगी, जिसको कि हम A1 से भी denote कर देते हैं and next होगा 2, that is equal to A2, okay? Common difference हमारा यहाँ पे AP नहीं है, तो common difference same नहीं आएगा, okay? Let us take one more example। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब तो ये तो रहा था क्वेश्चन कि शो करो कि एपी है या नहीं है, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको बता दिया जाता है कि a इज इक्वल टू 10 है, a मतलब फर्स्ट टर्म दे दी, आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया, आपको बता दिया जाता है कि एपी फॉर्म करके दे दीजिए, एपी बना के दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे, a क्या है हमारा 10 गिवन है और डिफरेंस कितना है 10 है, तो a2 के लिए हमने अभी किया ना, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d होता है, राइट? और A3 क्या होता है, A2 प्लस D होता है, राइट? अब A2
फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिट कर देंगे, ए वन कितना है 10 है और डी कितना है 10 है, विच विल गिव अस 20. तो हमारा ए टू कितना आया 20, ए वन हमें गिवन था 10. नाउ ए थ्री वी कैन इजिली फाइंड, ए टू 20 है, डी कितना है 10, we can find it as 30. So A3 is equal to 30. अब by observation आप देख सकते हैं, तो AP is कैसे show करेंगे, AP 10, first term 10 होगी, second term 20 होगी, next term 30 होगी, next 40 लिख सकते हैं, next 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 ऐसे dash dash लगा दीजिए कि AP आगे चल जाएगी. Okay? अब आपको ये तो हमने AP form की है, अब पूछा जाता है, कई बार दे दिया जाता है कि ये AP है. क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, अब मैं इसी एग्जांपल को लेते हुए आगे बढ़ूंगी. हमारी एपी क्या बनी थी यहाँ पर 10, 20. इसी एग्जांपल के साथ हम बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस चीज को हम सॉल्व करेंगे. 10, 20, 30, 40. अब बता दिया जाता है इट इज एन एपी, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है. नाउ ये कहते हैं आप फाइंड आउट करिए कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, एंड देन वी नीड टू फाइंड ए 10, 10th टर्म फाइंड आउट करें. अब यहां पर मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला भी देने वाली हूं जिसको यूज करके हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, हर क्वेश्चन. ओके, लाइक फर्स्ट टर्म क्लियरली गिवन है 10, ये बिल्कुल एक दो नंबर का क्वेश्चन बनता है. 20 माइनस 10 मींस ए 2 माइनस ए 1, जो कि हमें क्लियरली गिवन है 10 है. तो ए 10 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है ए एन, ए एन मतलब एन नंबर की टर्म करने फाइंड आउट करने के लिए, एनथ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म विच इज गिवन एज ए प्लस एन माइनस वन एंड टी, दिस इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन माइनस वन. ओके गाइस, दिस इज द सुपर फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को यूज करके हम हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, हर तरीके का, हर क्वेश्चन इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व होगा. तो अब ए 10 फाइंड आउट करना है हमें, ए 10 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए 10 फाइंड आउट करने के लिए हम एन की वैल्यू 10 कर देंगे यहाँ पर. ए 10 विल बी इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास 10 है फर्स्ट टर्म, एन हमें नहीं मालूम अभी, हमें फाइंड आउट करना है. डी इज इक्वल टू 10, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही हम डी कहते हैं. तो ये कैसे आया, ए 10 फाइंड आउट करना, ओ सॉरी, हियर वी आर गिवन n is equal to 10 minus 1 and difference is equal to 10. Okay, 10 plus 10 minus 1 is 9 times 10, which will give us 10 plus 19, which will give us 29. So 29 जो होगी वो yes 10 plus 9 times 90. तो 100, 10th टर्म यहाँ पर जब हम ये फोर्थ टर्म है, ऐसे जब 10th टर्म आएगी इट विल बी 100. ओके, सो वी कैन फाइंड इट इन दिस वे. समटाइम्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसी एपी से, इसी एपी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ. भी तरीके हम सारे सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो में अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. Okay, now the question arises that this is an AP. मैंने यहाँ पर बिल्कुल easy example लिया ताकि चीजें आपके समझ में आ जाएं. Next हम फिर एक और example लेके सारे question solve करने वाले हैं. 10, अब 10, 20, 30, 40 एक AP है जिसमें कि 100 कोई term है. We are asked that 100 जो है वो which term, मतलब कितने number पे वो ये आती है. In that series we will find n. एन कितने है, मतलब कितने नंबर पे वो टर्म आएगी, कितने नंबर की वो टर्म है. ओके, हम क्या करेंगे इसमें, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हियर वी आर गिवन दैट ए इज इक्वल टू 10 है एंड डी इज इक्वल टू 10 है जो हमने अभी निकाला था. तो फाइंड आउट करते हैं ए एन क्या गिवन है, ए एन 100 रख देते हैं, जो फाइंड हमें करनी है कि कितने नंबर की टर्म है. ओके, नाउ वी आर जस्ट सॉल्विंग इट, ए एन की जगह पे हम 100 रख देंगे. आई एम फिलिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 100. हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू रख देंगे 10, 100, A is 10 plus n की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना. ओके, d is equal to 10, तो 100 minus 10 ये term इधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा n minus 1. Now it will be 90 and this 10 will be divided here. So we are getting 9, but we are getting as
n minus 1 is equal to 9, it implies that n is equal to 10. Okay, so 10th number की टर्म है, हमने अभी find out किया था, 8n is equal to 100 है. ओके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कई बार आपको ए एन नंबर की टर्म दी जाती है तो एन की वैल्यू पूछ लिया जाता है, और कई बार आपको ए टेन निकालने के लिए बोल दिया जाता है, जहां पर आपको ए वन ए और डी दे दिए जाते हैं और एन की वैल्यू भी दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल चलो हम एग्जाम्पल और कोई लेते हैं. इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें एपी गिवन है, यहाँ पर हम ए वन लिख लेंगे, ए वन इज इक्वल टू 3 है, ए टू is equal to 8 given है, हम इन दोनों क्योंकि clearly equal to same, the common difference will be equal to same, तो हम क्या करेंगे a2 minus a1, किस लिए difference find out करने के लिए, तो a2 कितना है 8, a1 कितना है 3, which will give us 5, तो हमारा d क्या आ गया 5. अब हमें क्या given है, एक और चीज given है an 78, हमें find out करना है which term means but we are to find is the value of n. ओके अब आपको क्लियर भी हो गई है चीजें होप सो. अब ए एन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख देंगे, वी नो दैट हमें फॉर्मूला पता है ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, राइट. ए एन क्या गिवन है 78 गिवन है, ए गिवन है यस 3 गिवन है, एन वी नीड टू फाइंड इट, डी क्या है डी इज 5, सिंपल 78 माइनस 3 हो जाएगा, जब हम इसको मूव ऑन करेंगे इस टर्म को it will be minus 3. Now, इधर क्या रह जाएगा? n minus 1 into 5. This will be 75. And this 5 will be in the division now. Will give us n minus 1. 75, 5, 1 जा 5, 5, 5 जा 25. तो 15 plus 1 will be the value of n. That is equal to 16. तो 16 will be the value of n. Means, what does it mean? कि 16 number की term होगी वो 78 होगी. Is that clear? Yeah, hope so. You are clearing your doubts. It is helpful. So don't forget to like, share and subscribe my channel. ताकि आपके सारे दोस्त इस चीज को समझ सके, उनको भी benefit हो सके. आइए अब हम सीखते हैं कैसे हम sum of n terms find out करेंगे. Sum of n terms कैसे find out करते हैं? उसके लिए question ले रही हूँ मैं. Find the sum of 22 terms, like मैंने for example ये question ले लिया है 22 terms. अब AP given है और हमें 8, 3, minus 2, dash 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 ये AP हमें given है. इस AP से हमें क्या करना है, 22 terms find out करना है. Sum of 22 terms find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास S of N का formula होता है, sum of N terms, S means sum, N means N terms, okay, number of terms. S N is given by N by 2 into double of A plus N minus 1 into D. सिंपल ये फॉर्मूला होता है, वेयर एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हमारी फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड डी क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. ओके नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स. नाउ हियर एस ऑफ 22 विल बी इक्वल टू एन 22 आ गया डिवाइडेड बाय 2, डबल ऑफ ए कितना है बेटा ए इज 8 प्लस एन 22 minus 1 and difference is equal to 5. We can clearly see that minus 5. Difference is minus 5 because the AP जो है वो decrease हो रही है. देखिए 8 में minus 5 हो रहा है, तो difference आप निकाल सकते हैं a2 minus a1. जैसे कि a2 minus a1 करने के लिए आप क्या करेंगे फिर, a2 कितना है 3 minus 8 which will give you minus 5. मैंने यहाँ पर एक बार clear कर दिया है. ओके आप 2 से cancel कर सकते हैं because common में है 11, a2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर याद रखना कि बोर्ड मैथ्स रूल यूज करना है, कहीं आप कुछ गलती ना कर दें. माइनस 105 जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9, 7 plus 8 is 17, 9, 7, 9 will be your answer. Is that clear? Yes, hope so it is clear, it is beneficial for you. Now let us take one more example. एक और एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए.
अब सम क्या होगा, सम क्या होगा, फर्स्ट पहले 1000 टर्म्स लिखिए, 1 + 2 + 3 + 4, क्या आप सोच रहे हैं मैं 1000 तक लिखूंगी? नो, ओके, वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड, सो एस एन विल बी इक्वल टू, हियर वी विल यूज द डिफरेंट फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म ए प्लस एल इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को यूज कीजिए एन, हियर वी नीड टू फाइंड सम ऑफ 1000 टर्म्स, 1000 बाई टू, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 1000, नाउ दिस विल गिव अस 500, राइट, 500 प्लस 101, राइट, योर आंसर विल बी इक्वल टू 500, 500. देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लगता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बहुत बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन इंटीजर्स आर जस्ट सिंपल काउंटिंग नंबर्स, कुछ डिफरेंट नहीं होता है. तो हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है, जब हमें एन पॉजिटिव इंटीजर्स गेट करने हैं, सम करना है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.